नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे, और इसके साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। क्लास सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास है गूगल मीट पे। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी UGC नेट का भी हमारे पास मटेरियल्स और उससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि सोशियोलॉजी संबंधित बहुत सारी काफ़ी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आप उसे अब तक नहीं देखें तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो हमारा जो यूनिट नंबर हमारा जो एक कह सकते हो आप कि क्या कहते हैं यूनिट एट से हम लेके आए क्वेश्चंस, और वो हमारा है डोमेस्टिक वायलेंस पे पर बेस्ड है क्वेश्चंस। आइए हम उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का अन्य रूप है। ध्यान दीजिएगा, घरेलू हिंसा का कहा गया है कि अन्य रूप है। एक फर्स्ट पहला पढ़िए, सामाजिक हिंसा, दूसरा सांस्कृतिक हिंसा, मूल हिंसा और पारिवारिक हिंसा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा किसी क्षेत्र विशेष या किसी एक कहेंगे सीमित एरिया के अकॉर्डिंग होने वाली जो हिंसा है उससे ये डिनोटेड है घरेलू हिंसा। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को लेते हैं, समाज और संस्कृति को लेते हैं, कि तो समाज एक होल कैटेगरी को डिनोट करता है और ये भी कैटेगरी क्या करता है, डिनोट करता है। तो ये इससे रिलेशन नहीं रह जाएगा, यानी सामाजिक हिंसा और सांस्कृतिक हिंसा का। सामाजिक हिंसा यानी समाज में जैसे हो गया कि सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, ये सब सारी क्या होगी, ये सब एक कहेंगे कि ये पूरी कम्युनिटी को बेस्ड करता है। लेकिन घरेलू हिंसा कम्युनिटी को बेस्ड नहीं है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन है ये, इसका स्पेशलाइजेशन। तो इस पर स्पेशलाइजेशन के बेस्ड पर सामाजिक हिंसा और सांस्कृतिक हिंसा इसका आंसर नहीं होगा। और मूल हिंसा ये तो कोई कोई हिंसा ही नहीं, तो आपका आंसर आपके सामने क्या पड़ता है, पारिवारिक हिंसा। यानी घरेलू हिंसा का एक अन्य स्वरूप है कौन सा, पारिवारिक हिंसा। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो घरेलू हिंसा होती है वो एक एक कह सकते हो एक घर के भीतर, यानी घर के भीतर जो की जाने वाली हिंसा होती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा का मुख्यतः जो एक संदर्भ रखा जाता है वो रखा जाता है महिलाओं से, लेकिन ये घरेलू हिंसा में मुख्यतः मैं बता दिया हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेनली बताया है, मेनली इसका जो आशय है वो महिलाओं से है, लेकिन इस घरेलू के अंतर्गत पुरुष भी आ सकते हैं, ठीक है। और पुरुष इसीलिए यहाँ पे देखिए पारिवारिक हिंसा में श्योरली दोनों आते हैं, यानी पुरुष और स्त्री, मेल और फीमेल दोनों आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो घरेलू हिंसा का एक भाग है उस या उसका अन्य रूप है कौन सा, पारिवारिक हिंसा। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी परिवार में होने वाली जो एक कहेंगे हिंसा, और वो हिंसा चाहे मेल आधारित हो चाहे वो फीमेल आधारित हो। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शायद आगे क्वेश्चन अभी मिल भी जाए इससे संबंधित। घरेलू हिंसा से तात्पर्य क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन। तो घरेलू हिंसा वह हिंसा जो पारिवारिक हो, वह हिंसा देखिए अब हमको अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे देखना है, वह हिंसा जो नातेदारों से हो, वह हिंसा जो महिला के निकट रिश्तेदारों के द्वारा की जाए। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको निकट रिश्तेदारों से संबंधित, नातेदारों से संबंधित, ये सब किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है वो हिंसा जो पारिवारिक आधारित हो, घरेलू हिंसा, ठीक है। तो डी भी आंसर इसका, ये तो गलती हो जाएगा जब बी सी गलत हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा का उद्देश्य होता है क्या, उद्देश्य होता है मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचाने या चोट, मानसिक चोट, शारीरिक चोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी होगा, सभी प्रकार के जो आघात होंगे उस व्यक्ति विशेष को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है इसके अंतर्गत, घरेलू हिंसा के अंतर्गत। तो डी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में शामिल किस प्रकार की हिंसाएं हैं, यानी किस प्रकार की हिंसा शामिल होती है घरेलू हिंसा के अंतर्गत। देखिए बलात्कार, रेप, दहेज हत्याएं, ठीक है, और डाउरी, और इसके बाद भ्रूण हत्या,
फीमेल इन्फोन्टिसाइड इसको बोलते हैं, भ्रूण हत्या। तो ये सभी, तो आपको बता चाहूँगा ये सब सारी जो घरेलू हिंसा के जो ये सब दिया गया है ये सब सारे शामिल होते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अभी तक तो मैं घरेलू हिंसा चिल्ला रहा था कि एक घर के भीतर या घर के भीतर की जाने वाली महिला और पुरुष संबंधी जो भी कहेंगे कि हिंसा होगी वो घरेलू हिंसा में आता है। अब कौन कौन सी हिंसाएं इसमें शामिल हैं, तो ये आपको आंसर मिल गया, डी आंसर होगा, यानी इसमें बलात्कार, रेप, दहेज हत्याएं, डाउरी से संबंधित जो भी कही की जाती हैं वायलेंस, और इसके साथ ही भ्रूण हत्या, ये सब सारे शामिल हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा का शिकार अधिकतर होती हैं। देखिए आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, घरेलू हिंसा का शिकार अधिकतर होता कौन है? तो विवाहित स्त्रियाँ, अविवाहित स्त्रियाँ, युवा स्त्रियाँ, प्रौढ़ स्त्रियाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या हो जाएगा, विवाहित स्त्रियाँ, मैरिड जो वूमेन होती हैं। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे करता हूँ, अगर आप देखेंगे इसको और इसको अगर आप तुलनात्मक करिए 5 और 4 को, तो घरेलू हिंसा में चाहे वो बलात्कार ले लीजिए, चाहे वो दहेज हत्या से संबंधित हो, चाहे वो भ्रूण हत्या, देखिए ये दोनों तो आपको मिल गए विवाहित से संबंधित। हाँ, ये बलात्कार, बलात्कार का विवाहित और अविवाहित में दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप जो शायद इसके लिए पता भी होगा, दोनों के संबंध में ये दिखाई देता है, ठीक है ये चीज़ें। तो इस तरह आप देख रहे हो प्रायोरिटी में, तो दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, तो इसका शिकार कौन होगा मुख्यतः? इसका होगा विवाहित स्त्रियाँ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, पांचवा, घरेलू हिंसा का अधिकतर शिकार कौन होता है? विवाहित स्त्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अत्यंत ही किस प्रकार का अपराध है? अनैतिक, जघन्य, क्रूर, अमर्यादित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका जघन्य अपराध है, जघन्य यानी बहुत, एक कहेंगे क्रूरता बेस्ड, क्रूरता से भी कठिन, ठीक है। घरेलू हिंसा अत्यंत ही अपराध है, और क्यों अपराध है? क्योंकि आपको पता है अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था ये किस प्रकार इसका उद्देश्य क्या होता है, किस प्रकार की चोट पहुँचाना, तो ये होता है, एक सेकेंड, ये होता है मानसिक आधार पर, शारीरिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, जघन्य अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या है? घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या है? तनावपूर्ण क्या पारिवारिक परिस्थितियां हैं, तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, सामाजिक, नैतिक। तो घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका पारिवारिक परिस्थितियाँ, जैसा कि आपको पता है मुख्य कारण क्या है, तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियां क्या करती हैं, घरेलू हिंसा का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक हिंसा में शामिल है बलात्कार, अपहरण, तो इसमें क्या है? बी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में शामिल है दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, तो इसमें से क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्कार को दयनीय, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो इसमें सेक्शंस में किस में है, किस सेक्शन में है ये सेक्शन 376 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध इसे घोषित किया गया है बलात्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलात्कार क्या होता है? रेप, वॉट इज रेप? तो स्वेच्छा से संबंध बनाना, लिव इन रिलेशनशिप, इस सब गलत है, ठीक है। किसी पुरुष का किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना, ये होगा आंसर, सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज के लिए स्त्रियों को दी जाती हैं क्या चीज़ दी जाती हैं? यातनाएं, धमकी, चुनौती, तलाक, तो क्या हो जाएगा इसमें? यातनाएं, विभिन्न प्रकार की उनके उस उनके विभिन्न प्रकार की उनके सामने चुनौतियां या कह सकते हो कि समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1961। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिल सके। और इससे संबंधित मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको सोशियोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेल प्रोवाइड करिए, 9807781640। थैंक यू सो मच।